से जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पर गिर सकती है गाज। पंचायत चुनाव परिणामों से नाराज है पार्टी नेतृत्व। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। पंचायत चुनाव के जो नतीजे से उससे पार्टी के नेतृत्व नाराज है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बन सकते हैं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। ताकतवर एमएलसी अरविंद शर्मा गृह विभाग के साथ बन सकते हैं डिप्टी सीएम। अगले हफ्ते हो सकता है संभावित फेरबदल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से जुड़ गए हैं राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, इस वक्त जो खबर आ रही है, क्या बहुत सारे बदलाव देखे जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से सैलेन जो खबर मिल रही है अपने आप में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जो सोर्स है वो यही बताते हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हटाए जा सकते हैं और उनकी जगह प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को मिल सकती है। अच्छा, इसके पीछे आप देखिए तो तर्क भी बेहद मजबूत दिया जा रहा है, क्योंकि जो पिछले दिनों जो पंचायत चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही साथ आप पहले ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इससे पहले जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, केशव मौर्य के बाद जो भी प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, तो एक तरह से उनकी एक चहलकदमी पूरे प्रदेश में नजर आती थी। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह को लेकर जो पार्टी हाईकमान है, आला कमान है, उसका भी मानना है कि बहुत तेजी से कोई उस तरह का काम पूरे प्रदेश में नजर नहीं आया जो एक अध्यक्ष का होना चाहिए। तो इसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जा सकते हैं और ये जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी जा सकती है। साथ ही साथ ए के शर्मा को लेकर जो खबरें हैं वो आ रही हैं, क्योंकि जब से ए के शर्मा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, एमएलसी बने हैं, उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि उनको उत्तर प्रदेश से बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अब वो समय आ गया है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी अफवाहों का बाजार गर्म था, लेकिन अब सूत्र ये बताते हैं कि वो समय आ गया है कि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ ए के शर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा और उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा और साथ ही साथ गृह विभाग की भी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। तो ये दो खबरें जो है वो अपने आप में उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें हैं। सूत्र यही बताते हैं कि ये बड़ा परिवर्तन जल्द से जल्द हो सकता है और ये माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर ये परिवर्तन पार्टी आला कमान में, हाईकमान ने तय कर लिया और 2 से 3 दिन के अंदर ये बड़ा परिवर्तन होगा। अगर राजवीर बात करें स्वतंत्र देव सिंह की, तो क्यों इनको कोई और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए स्वतंत्र देव सिंह को लेकर अभी कुछ भी कहना कि उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, थोड़ी सी जल्दबाजी होगा, क्योंकि आप देखिए पंचायत चुनाव में जो परिणाम आए उस परिणाम से जो पार्टी हाई कमान है, आला कमान है, वो बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहा है, संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। और यही एक बड़ी वजह भी रही कि दिल्ली में भी जो भारतीय जनता पार्टी के 30 नेताओं की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक हुई, वो चाहे दत्तात्रेय हो या अमित शाह हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन सब लोगों के बीच जो एक बैठक हुई है, उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल जिसमें शामिल थे, उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा फीडबैक लिया गया, क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। और साथ ही साथ ये इस तरह के डिसीजन ऐसे नहीं लिए जाते हैं, इसके पीछे और भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के तर्क हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद की एक टीम है जो क्षेत्र में फील्ड में रहकर मॉनिटर करती है कि कहां पर क्या हवा चल रही है और क्या परिवर्तन करने से इसका क्या इफेक्ट आगे आएगा। अब 2022 का चुनाव सैलेन नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रयोग करने जा रही है और ये प्रयोग करना कहीं ना कहीं, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खुद अपने सोर्सेज इतने मजबूत हैं, खुद उनका संगठन इतना मजबूत है कि वो समझते हैं कि जो फीडबैक आएगा इसको किसी को हटाने से, किसी को नई जिम्मेदारी दिए जाने से, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यह परिवर्तन करने के बाद 2022 लेकर जो माहौल भारतीय जनता पार्टी चाहती है उस तरह से बनना तो वो बन सकता है। अदरवाइज आप देखिए तो कोरोना के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है उत्तर प्रदेश में। इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक जो आस होती है वो जगह, इन सब तमाम चीजों को देखते हुए परिवर्तन माना जा रहा है कि परिवर्तन हो सकता है। राजवीर जी, स्वतंत्र देव सिंह के अलावा और भी पदाधिकारी संगठन में थे जब जिला पंचायत चुनाव हुए, तो उन्होंने भी बहुत काम किया है, तो जो जैसे कह रहे हैं गाज गिर रही, इनके ऊपर क्या और भी लोग हैं जिन पर गाज गिर सकती है?
देखिए अचानक से एक साथ संगठन में बहुत बदलाव तो नहीं होंगे, लेकिन ये बात होती है सरेम की, अगर एक जो पार्टी प्रमुख है प्रदेश का अगर उसके साथ अगर उसमें बदलाव होता है तो बाकी मैटर अपने आप नीचे तक चला जाता है। और उसके बाद ये एक प्रक्रिया है कि ठीक है उसके बाद तमाम चीजें बदली जा सकती है, नए लोगों को और भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो खबर है वो खबर यही है कि स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश राजवीर तमाम जानकारी देने के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष बन सकते हैं, माफ कीजिए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, और जो स्वतंत्र देव सिंह हैं उनको हटाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पंचायत चुनाव के जो नतीजे थे उसको देखते हुए स्वतंत्र देव सिंह को हटाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर बांदा से आ रही है।